हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 2 मिनट में बनने वाली सेवियाँ, जिसको हम दूध में बनाएंगे। इसको बनने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। ये मैंने 600 ml दूध ले लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें मैं बादाम और काजू डाल दूँगी, थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा लेंगे, और थोड़ी किशमिश। अब मैंने इसमें एक कौली जो बारीक वाली सेवियाँ, ये पहले से ही पकी होती हैं, पहले से रोस्ट किया होता है इनको, तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना, इसको हमने दूध में डाल देना है, ऐसे उबलते दूध में डालना है। बस इसको हमने दूध में डालकर सिर्फ 1 मिनट पकाना है। अब ये इतनी पतली है, बस हमने इसको इतना ही रखना है, क्योंकि ठंडी होके ये बहुत गाढ़ी हो जाएंगी। अब ये मैं इसमें छोटी इलायची के दाने जो मैंने कूट लिए हैं दरदरे, तो ये डाल दूंगी। और अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच चीनी के डालूंगी, आप स्वाद अनुसार डालिए। ये हमारी सेवियाँ बन के तैयार हो गई हैं। इसको हमने गर्म दूध में बस सिर्फ 1 मिनट से भी कम उबाला है, तभी ये बन जाती हैं। और अब हम इसको सर्व करेंगे, ठंडी होके ये और भी गाढ़ी हो जाएंगी। अब इसको हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। फ्रेंड्स, आप घर में जैसे कोई मेहमान आया तो, और हमने स्वीट डिश बहुत जल्दी से बनानी है, तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और बच्चों को कभी भूख लगी है तो उनको फटाफट से ये हम बना के दे सकते हैं, छोटे बच्चे बड़े आराम से इसको खा सकते हैं। तो ये हमारी सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली जो सेवियाँ वो तैयार हो गई हैं। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।